वेलकम बैक। अरवलीमां होस्पिटलमां एक बाळकनो वीडियो वायरल थयो छे। अहीं 9 वर्षना बाळकनी कोरोना सामे हिम्मत जे छे ते देखाई रही छे। बाळके मोटा लोकोने पण आपी दीधी छे मात। होस्पिटलने तेणे रमतनो मैदान बनाव्यु छे। बाळकने हाल कोरोनाना कोई लक्षणो नथी, परंतु ते कोरोना संक्रमित छे त्यारे ते अहीं रमत गमत करी रह्यो छे। 9 वर्षनुं मासूम बाळक छे आ। तेने कदाच ए खबर पण नहीं होय के ते विश्व माटे जे महामारी छे ते रोग सामे झझूमी रह्यो छे। तेने कोई लक्षणो नथी अने ते आप बीमारी ने खूब हळवा मूड में माणी रह्यो छे। आप जोई रह्या छो कि बेड पर ते मस्ती करी रह्यो छे। भरूचमां पगार मुद्दे कामदारोए कर्या देखाओ। दहेजनी एटीजी टायर कंपनीना कामदारो जे छे तेओए होबाळो कर्यो। तेओनुं कहेवुं छे के तेमणे पगार नथी चूकवायो। आक्षेप कंपनी पर कर कंपनी से जे कामदारों ने पोताना बेवे महीना पगार नहीं चूकवी रही। आ मुद्दे कामदारों होबाड़ो कर रहा है। आ एक घटना वधु सामे आवी छे कि ज्यां कामदारों द्वारा होबाड़ो करवामां आव्यो, अहीं तेओने पगार न आप्यो होवानो आक्षेप कर रहा है। दहेजनी एटीजी टायर कंपनी कामदारों छे जेओ कंपनी की बहार होबाड़ो करता देखाय। अरवलीमां न्यूज 18 अहेवालनी असर जोवा मळी। ज्यां मोडासामां दर्दीओनी असुविधानो जे मामलो हतो, भोजन अने असुविधानो मामलो जे हतो, तेमां न्यूज 18 गुजराती आंगेनो आ अहेवाल प्रसारित करायो हतो। त्यारबाद तंत्रए व्यवस्था करी छे। अहीं विशेष फूड पेकेट्सनी व्यवस्था करवामां आवी छे, तो स्वच्छता प्रत्ये पण ध्यान अपायुं छे। न्यूज 18 गुजरातीनी खबर जे छे तेणे असर वर्तावी छे। अने जे पेशन्ट्स हता, जे लोको हता जेओने खावा पीवानी तकलीफ पड़ी रही हती, स्वच्छतानो अभाव हतो, तेने लईने हवे विशेष ध्यान आपवामां आवी रह्युं छे। मिशन सागर अंतर्गत शिप रवाना थई छे। विदेश में सहाय माटे भारतीय शिप रवाना करवामां आवी छे। कोरोना सामे भारत नुं छे मिशन सागर। मालदीव्स अने मोरिशियस सहित देशों अने नेवी नुं आईएनएस केसरी अहींथी रवाना थयुं छे। दवाओ 600 टन फूड पेकेट्स लईने रवाना थयुं छे। भारत देशे आ महामारी साथे रहीने बतावी दीधुं छे लोकोने सुधी मदद पहोंचाडीने के ते कोईपण परिस्थितिमां दुनियानी साथे छे अने आ महामारी सामे लड़वा माटे सज्ज छे। सूरतना हीरा उद्योग ने जागी छे फरी एक नवी आशा। एंटवर्प में 600 थी वधु हीरा ऑफिस खुलशे। सूरत में तैयार स्टॉक क्लियर थवानी आशा हवे अहीं राखवामां आवी रही छे। सूरत थी हांगकांग एंटवर्प में थाय छे व्यापार, त्यारे हवे आ व्यापारनी वधु एक तक खुली होय लॉकडाउन बाद अने कोरोना महामारी बाद तेवी आशा हाल जागी छे। तो आ तरफ भावनगर में पण श्रमिकोए पत्थरमारो कर्यो। निर्माण कंपनीना श्रमिकोए अहीं होबाळो कर्यो हतो। बस में तोड़फोड़ करी पत्थरमारो सामे कंपनी सामे पत्थरमारोए छेतरपिंडीनो आक्षेप लगाव्यो छे। तेओने वतन मोकलवानी वात करी परत मोकल्या हता। चेकिंग बाद तेओने वतन मोकलवानुं कह्युं हतुं त्यारे कंपनीना गेट पासे पत्थरमारो करवामां आव्यो। अहीं मोटी संख्यामां श्रमिको रझड़पाट करी रह्या छे। वधु माहिती अमारा संवाददाता नितिन गोहिल आपी रह्या छे। नितिन, जाणो मांगी શું છે મામલો? જી જરા વાત કરીએ તો જ્યારે લોકડાઉન 3 નું વર્ઝન ચાલી રહ્યું છે ત્યારે પરપ્રાંતિના જે લોકો છે અને ભાવનગરની વાત કરીએ તો ખાસ કરીને હીરા ઉદ્યોગ સાથે તેમજ અલંગ સાથે જે મોટી સંખ્યામાં જે આ લોકો જોડાયેલા છે તે પોતાના વતન જવા માટે પરત જવાની જે વાત છે તેને લઈને જ્યારે ભાવનગરમાંથી અત્યાર સુધીમાં 4 ટ્રેનો છે તે મોકલવામાં આવી છે, તેને લઈને આ પરપ્રાંતિય મજૂરોની જે સંખ્યાઓ વધી હતી તે સંખ્યાઓમાં खासो वधारो थता तंत्र द्वारा जे अन्य आगळनी व्यवस्थाना भाग रूपे आ जे मजूरो छे तेमने निर्माण कंपनी खाते लई जवामां आव्या हता अने त्यां आगळ तेमनुं पहेला चेकिंग करवामां आव्युं हतुं अने चेकिंग बाद तेमने त्यां व्यवस्था बाद तेमने पोताना वतन परत मोकलवा माटेनी कार्यवाही हाथ धरी हती।
परंतु मजूरो जे छे ते मोटी संख्यामां होवાથી ते पोते उमटी पड्या अने तंत्रनी वात मां न आवता ते लोकोए जे निर्मा खानगी कंपनीनी जे बस छे तेनी उपर पत्थरमारो कर्यो हतो अने हाल पोलीस पहोंची घटनास्थळ अने जे परिस्थिति छे तेना पर काबू मेळवानो प्रयास करी रह्या छे। जी जी बिल्कुल, आभार नितिन। सूरत में हीरा उद्योग में भावनगर जिला नंबर वन आए जेमा पालिताणा गारियाधार सहित तालुकों में हीरा उद्योग धमधमे छे। आ हीरा कारखानाओं में देश में हांगकांग तेमज दुबई बैंकॉक जेवा विदेश में हीरा पॉलिशिंग करी एक्सपोर्ट करवामां आवे छे, परंतु हाल समग्र देश और विश्व में कोरोना महामारी ने कारण हीरा उद्योग ने पण ब्रेक लागी छे। सरकार ने आदेश मुजब छेल्ला 46 दिवसथी हीरा उद्योग लॉकडाउन की स्थिति में है। ज्यां सुधी देश में विदेशों में परिस्थिति सारी नहीं थाय त्यां सुधी हीरा कारखानाओं नहीं खुली शके, त्यारे हीरा उद्योग पर नपता अनेक रत्न कलाकारों बेरोजगार बन्या छे। तेमनी आर्थिक स्थिति एटली खराब बनी छे कि रत्न कलाकारों शाकभाजी वेचवा मजबूर बन्या छे, त्यारे आ रत्न कलाकारों माटे आर्थिक सहाय पेकेज जाहेर करवानी पण मांग उठी रही है।